बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बात कर रहा हूँ मैं आज 20x50 फीट प्लाट के बारे में। तीन तरफ इसके मकानात हैं, एक ही तरफ इसको स्ट्रीट लगती है और ये है इसका फ्रंट। ये मेन गेट है इसका, मेन गेट से जो ही अंदर एंटर होते हैं कार पोर्च है। कार पोर्च में स्टेयर एडजस्ट की गई है, एंट्रेंस का डोर है, इसके बाद टीवी लॉन्च है, ओपन किचन दिया गया है, सेंटर में ओपनिंग भी है। फ्रंट पर ये ड्राइंग रूम है और एक बात है पूरे घर के यूज़ के लिए, बाकी मास्टर बेडरूम है इसमें और एक नॉर्मल बेड है, इसके साथ अटैच बाथ है और सेंटर में ओपनिंग है। मुकम्मल तौर पर वेंटिलेटेड है ये। बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की, चेक करते हैं इसके साइजेस को। 50 फीट इसकी लेंथ है और जबकि हमारे पास इसकी 20 फुट चौड़ाई है। 20x50 फीट का ये प्लॉट है। ये मेन गेट है, मेन गेट से एंटर होते हैं कार पोर्च। कार पोर्च का साइज देखते हैं, 8 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई है और जबकि लंबाई जो है इसकी वो है 16 फीट 4 इंच। ये स्टेयर्स दी गई हैं, इसमें स्टेयर्स इस तरफ से ऊपर आएंगी और टर्न होने के बाद फर्स्ट फ्लोर से अटैच हो जाएंगी। स्टेयर्स का साइज 3 फुट स्टेयर्स की चौड़ाई है। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये एंट्रेंस का डोर है, एंट्रेंस के डोर से जो ही अंदर एंटर होते हैं, यह है टीवी लॉन्च। फ्रंट पर है ये ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम का साइज देखते हैं, इसकी लंबाई जो है वो है 16 फीट 4 इंच और जबकि इसकी मुकम्मल चौड़ाई जो है ये है 9 फिट। दो डोर दिए गए इसको, एक डोर ये बाहर गली की जानिब है, दूसरा डोर अंदर घर के साथ टीवी लॉन्च के साथ अटैच है। बात करते हैं इसके, ये इसको एक विंडो दी गई है बाहर गली की जानिब, 3 फिट इसकी विंडो की चौड़ाई है वेंटिलेशन के लिए। टीवी लॉन्च है, टीवी लॉन्च के साइज देखते हैं, 12 फिट 4 इंच इसकी लंबाई है मुकम्मल, जबकि मुकम्मल चौड़ाई टीवी लॉन्च की वो है 18 फुट 6 इंच। इस जगह पर इसकी डायमेंशन 6 फुट 2 इंच है। ओपन किचन दिया गया है टीवी लॉन्च में, ओपन किचन का साइज देखते हैं, इस जगह पर इसका 7 फिट 6 इंच यानी 7.5 फिट इसकी लेंथ है। ये स्लैब दी गई है, चूल्हा वगैरह एडजस्ट है। ये ओपनिंग दी गई है, ओपनिंग इधर, ओपनिंग का इधर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक विंडो दी गई है और इसमें एग्जास्ट लगाने पर किचन की टोटली तौर पर वेंटिलेशन और वाफ वगैरह जो आउट होती रहेगी। इस ओपनिंग का साइज बताता चलूँ आपको, 4 फिट इसकी चौड़ाई है और जबकि लंबाई जो है वो है 3 फिट 6 इंच यानी कि 4x3.5 की इसकी ओपनिंग का साइज है। और ये डोर दिया गया है इसको ओपनिंग में आने जाने के लिए, चाहे तो इस डोर की बजाय इधर भी एक विंडो लगा सकते हैं, एज यू लाइक, जैसे आपको अच्छा लगे। ये एक बात दिया गया है पूरे घर के लिए, 5 फिट इसकी लंबाई है। लगता है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बल्कि कुछ दोस्त हमें मैप्स का कह रहे होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहे होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी किस्म का आपने कोई मैप बनाना हो, बिल्कुल माकूल फीस में हम आपको स्पेशल मैप भी बनाकर दे सकते हैं, मुकम्मल फाइल भी तैयार कर सकते हैं। और इसकी चौड़ाई जो है बाथरूम की वो है 4 फिट यानी कि 4x5 का ये बाथरूम है। ये इसको वेंटिलेटर दिया गया है ओपनिंग की जानिब, 2 फिट 6 इंच का वेंटिलेशन के लिए। दो बेड हैं बैक पर, इस बेड का साइज 13 फिट इसकी लंबाई है जबकि इसकी चौड़ाई जो है ये है 9 फिट 7 इंच। ये इसका डोर है, ये है बाथ इसके साथ अटैच, अटैच बाथ का साइज 5 फिट इसकी लेंथ है जबकि विड्थ जो है इसकी 5 फिट है। और ये सेंटर में ओपनिंग दी गई है, एक वेंटिलेटर भी इस जगह पर जरूर एडजस्ट करें, इस जगह पर ये एक वेंटिलेटर एडजस्ट करें, 2.5 फिट का ये एक वेंटिलेटर लगा दें ओपनिंग की जानिब ताकि इधर से हवा जो है ओपन वेंटिलेशन होती रहे इस बात की। और ये बेडरूम में एक ये डोर दिया गया है बैक पर ओपनिंग में जाने के लिए, चाहे तो ये डोर लगा लें, चाहे तो इस जगह पर विंडो लगा लें, एज यू लाइक। ये एक मास्टर बेड है, मास्टर बेड का साइज देखते हैं, 14 फिट 5 इंच इसकी लेंथ है जबकि इसकी मुकम्मल चौड़ाई 8 फिट 7 इंच है। और ये इसको एक विंडो दी गई है ओपनिंग की तरफ, 4 फिट 1 इंच यानी कि 4 फिट इस की विंडो का साइज है, वेंटिलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चेक करते हैं इस ओपनिंग का साइज, 4 फिट 3 इंच ओपनिंग की चौड़ाई है जबकि इसकी लंबाई जो है वो है 5 फिट। जबरदस्त ओपनिंग है, ओपन टू लेंटल है यानी कि इसके ऊपर लेंटल नहीं पड़ेगा, लेंटल की स्लैब नहीं रहेगी, ओपन रहेगी ताकि हवा का क्रॉस होता रहे। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।